फतेहाबाद के विधायक डूंडाराम के ड्राइवर के द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। कल ड्राइवर सुभाष ने अपनी पत्नी, बच्चे और बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ विधायक आवास पर पहुंचकर धरना शुरू किया था। विधायक आवास पर पहुंचे ग्रामीणों ने आवास को घेरकर विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान एक बार माहौल जबरदस्त गर्म हो गया, जब विधायक डूंडाराम ग्रामीणों से बातचीत करने पहुंचे और ग्रामीण और परिवार वालों ने डूंडाराम को जमकर खरी खरी सुनाई। मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस कप्तान को एसपी को एप्लीकेशन दीजिए और मैं कहूँगा एसपी साहब को सीनियर अधिकारियों से इंक्वायरी करवा के अगर इसने उसे दे रखे हैं तो मिलने चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये गलत इंजाम लगाता है, झूठा इंजाम लगाता है, इस पर कार्रवाई। मैं तो दूध का दूध पानी का होना चाहिए, कोई गलत बात मेरे। दरअसल डूंडाराम के ड्राइवर रहे सुभाष ने आरोप लगाए थे कि विधायक के पीए ने नौकरी लगवाने के नाम पर उनसे 85 लाख रुपए लिए थे। आरोप है कि नौकरी न मिलने पर जब उसने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने पैसे वापस देने से साफ इनकार कर दिया, उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इस बीच ड्राइवर ने सोशल मीडिया पर एक सुसाइड नोट डाला, आत्महत्या का प्रयास किया, इलाज के दौरान उसे बचा लिया गया। आरोप है कि उस पर और उसके परिवार पर दबाव डालकर उसके बयान बदलवा दिए गए और उसे उसके पैसे वापस देने का आश्वासन दिया गया, मगर अब तक उसके पैसे नहीं लौटाए गए। आज थक हार कर उन्होंने विधायक आवास का घेराव किया। उनका कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। मेरा ये कहना है कि इस सारे मामले की दूध का दूध पानी का पानी, एक निष्पक्ष जो जाँच होती है वो एक निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। इस मामले में कल मैंने एसपी साहब से मिलकर मेरी तरफ से एक कंप्लेंट दर्ज कराई, एक दरखास्त दी है मैंने एसपी साहब को कि इस सारे मामले का दूध पानी का पानी, इंसाफ, एक्चुअल जो इंसाफ होता है बिल्कुल निष्पक्ष जांच करके इंसाफ किया जाए। जो लोग आरोप लगा रहे हैं रुपयों का, पैसों का, ये वो जो अलग अलग तरीके आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं एसपी साहब से, माननीय प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सभी से दरखास्त करता हूँ। ये सारी एक बदनाम करने की एक राजनीतिक षड्यंत्र है और इस सब मामले की दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और एक निष्पक्ष जांच के मैं फेवर में हूँ, ये की जानी चाहिए ताकि लोगों को, हमारे साथियों को, दूसरे साथियों को, सबको पता चल सके कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। उधर इस मामले में विधायक ने कहा कि पीड़ित पक्ष पुलिस को शिकायत दे और अगर जाँच में उसका पीए दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फतेहाबाद से टोटल टीवी के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट।